सो फाइनली गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग Redmi Note 9 का डिवाइस यूज करते तो गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली Redmi Note 9 के लिए इंडिया में एक न्यू बिल्ड नंबर का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर फटाफट से हम लोग अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या अपडेट में मिलता है, आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो, अभी कितने यूजर को मिला है, सब यूजर को कब तक मिल जाएगा। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 का डिवाइस यूज करते तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो फाइनली Redmi Note 9 के लिए इंडिया में अपडेट रोल आउट किया गया, और आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट कल रात को कुछ यूजर को देखने के लिए मिला था। इसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.5.5.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है। यहां पर आप लोग देख सकते हो 288 MB की साइज देखने के लिए मिलती है, लगभग 250-300 MB के आसपास की साइज देखने के लिए मिल जाती है। नया बिल्ड नंबर है। ग्लोबल में कुछ ही दिन पहले MIUI 12.5.4.0 का अपडेट मिला, तभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, और यही अपडेट आपको देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो ये जो अपडेट है, इसका अपडेट लॉग सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मिलता है मार्च 22 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट, यानी कि इस महीने का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। अप्रैल का तो नहीं मिलेगा, जब भी कोई अपडेट अप्रैल में आता है तो मार्च का ही सिक्योरिटी पैच हमेशा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको इसमें छोटे मोटे चेंजेस होकर जरूर देखने के लिए मिल सकते हो, अपडेट के बाद पता चलेगा, छोटे मोटे बग से उनको फिक्स किया गया है। अब ये जो अपडेट है, ये अपडेट सभी यूजर को नहीं मिला है, ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही यूजर को मिला है। एक तरीके से मान लो पायलट यूजर को अपडेट देखने के लिए मिला है, तो आप लोग इसको मैनुअली अपडेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। जब पार्शल या फिर पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट होगा तो आप लोग इसको लिंक से भी अपडेट कर सकते हो, मैनुअली लिंक से, ठीक है। तो इसकी लिंक्स वगैरह आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ग्रुप है चैनल दोनों को जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोग जब भी कोई भी अपडेट आएगा फ्यूचर में तो आपको हमेशा वहीं पर लिंक्स देखने के लिए मिलती रहेगी। और यहाँ पर ये जो अपडेट है, ये अपडेट इंडिया में रिलीज किया गया है Redmi Note 9 के लिए, तो आप लोग अभी जाकर चेकआउट करो, शायद आप लोगों को भी अपडेट मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो वेट करो, जैसे ही पार्शल रोल आउट होना स्टार्ट होगा और पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए तुरंत फिर से बता दूंगा, बस आप लोगों को 1 वीक का और वेट करना है, 1 वीक में फिर से ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गुड न्यूज है, Redmi Note 9 के लिए इंडिया में एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। MIUI 13 अपडेट अभी नहीं मिला है, आपको इंतजार करना पड़ेगा MIUI 13 अपडेट के लिए, जैसे उसके बारे में कोई न्यूज निकल के आएगी मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना, ताकि अपडेट आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।